चाहे दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं आर्म फोर्स एंड क्लैब्स ऑफिसर के यहाँ पे। यहाँ पे तीन बंगलोज हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, कर्नल एन के नारायण सर, वाइस एडमिरल विमल वर्मा सर, अति विशिष्ट सेवा मेडल। सो लेट्स सी इनके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये हमने गेट खोला अंदर का और आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। और ये देखिए मल्टीपल टाइप्स के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और ये पहला घर है जो लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सर का घर है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती इसको डिज़ाइन करा हुआ है और सारी चीज़ें इसमें वेल सेटल दिख रही हैं आपको। पूरे गार्डन, पेड़ पौधे हैं और इनका फ्रंट एंट्रेंस है ये अंदर जाने के लिए। उसके बाद ये बंगला चालू हो गया मिलन नायडू सर का, के बाद में कर्नल नारायण सर का घर है ये। सो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती से सारी चीज़ें डिज़ाइन है यहाँ पे। और ये सब लोगों ने पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा हुआ है घर में, बहुत ब्यूटीफुली घर का सेटल करा हुआ है। और ये गार्डन इनके सामने का। अब हम आते हैं वाइस एडमिरल विमल वर्मा सर के घर पे। तो इस घर को मैं आपको बड़ी डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये इनका सामने का पूरा घर है, इनका एंट्रेंस है और हम घर के अंदर चल के देखते हैं कैसा घर है इनका। तो सबसे पहले हमने ये खोला, हमने रिंग बजाई, हम देखते हैं कौन आता है। तो ये इनका घर का फ्रंट साइड है अभी। और यहाँ पे आईएनएस बाज का ये लगा हुआ है। गेट खुला और ये है गबरू हमको मिला और यहाँ पे मोगली हमको मिला। ये इनका एंट्रेंस है। अरे गीला हो रहा है। डाइनिंग हॉल है और ये डाइनिंग हॉल है ये बैक साइड का। डाइनिंग हॉल के बाजू में पेड़ ने लगा रखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद ये अंदर से इनका ये किचन रहेगा। यहाँ से ये इनका किचन का एंट्रेंस है। ये इनका किचन है यहाँ पे और ये इनका सिटिंग हॉल है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे बहुत का सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा ये हमारे सर हैं, इनके आप फोटो देख सकते हैं। ये दी उनके बच्चे हैं, सर की रैंक्स वगैरह। उसके अलावा ये जो मार्बल है ये केरला से इंपोर्ट करा हुआ है, यहाँ का बरामदा है। ये पत्थर लगे हुए हैं घर में, ये है केरला से इंपोर्टेड करे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वेल डिज़ाइन है, काफ़ी मल्टीपल जगहों से इन चीज़ों को लेके आया गया हुआ है। और फिर ये गार्डन है यहाँ पे सर का, बरामदा में ये गार्डन बना हुआ है। गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, मल्टी टाइप्स ऑफ वैरायटी है यहाँ पे पौधों की और ये बहुत खूबसूरत सा गार्डन है। उसके बाद ये हमारी किताबें रखी हुई हैं, ये एक गेस्ट रूम है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे एक रूम है, गेस्ट रूम है जो हम आपको बताते हैं। ये हमने इसको खोला और ये गेस्ट रूम है। ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और ये यहाँ का वॉशरूम है। वॉशरूम दिखाते हैं कितना वेल सेटल्ड वॉशरूम है ये। आप देख सकते हो वॉशरूम कितना प्यारा बना हुआ है। तो ये बहुत प्यारा वॉशरूम बना हुआ है और साथ में ये लाइटिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी नोबल्स हैं यहाँ पे। और ये बेड है यहाँ पे, टेबल है, चेयर्स है, स्टडी टेबल है और ये बुक्स है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ऊपर के छत का एटमोसफेयर दिखाते हैं कैसा है वहाँ का। सो अभी हम चलते हैं छत की ओर। ये यहाँ का छत है और छत काफ़ी प्यारा बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर देख सकते हो घर का,
ये घर का स्ट्रक्चर है, गार्डन सामने है, यहाँ पे उनके सर्वेंट्स को रहने के लिए दो रूम्स वगैरह बना रखे हुए हैं। नीचे गेस्ट, नीचे आपका कोई भी सामान रखने के लिए रूम्स वगैरह है। और ये बड़ा सा कूलर है जिससे पूरे घर में हवा जाती है, इसका कूलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कूलर की लाइन गई हुई है। और ये कर्नल नारायण सर का घर है, उसके बाजू वाला एडमिरल लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सर का घर है। और ये फ्रंट रूफ छत से देख सकते हो आप। तो ये बहुत प्यारा बंगलो बना हुआ है यहाँ पे वाइस एडमिरल वर्मा सर का। सो आप देख सकते हो ऑफिसर लाइफ कितनी ज़बरदस्त होती है और कितना प्यारा घर है इनका, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे है। सो ऑब्वियसली एवरी वन हैज़ ड्रीम लाइक द हाउस दे आर लिविंग। सो गाइज थैंक यू सो मच जय हिंद।